प्रागपुर थाना क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम पांचू डाला निवासी एक व्यक्ति ने प्रागपुर थाना प्रभारी डॉक्टर सुरेश यादव के खिलाफ आरोप लगाते हुए बताया है कि थाना प्रभारी ने उसके एक पुराने मामले में हाई कोर्ट से आए बेल कैंसिलेशन के नोटिस को लेकर उसे 14 दिसंबर को सुबह 11 बजे थाने पर बुलाया और पिता पुत्र के साथ गाली गलौज की। जब पीड़ित ने थाना प्रभारी से गाली गलौज करने के लिए मना किया तो थाना प्रभारी ने पिता पुत्र के साथ मारपीट कर उन्हें शांति भंग की धारा 151 के तहत लॉकअप में बंद कर दिया। पीड़ित ने बताया कि जब उसने थाना प्रभारी से मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही तो थाना प्रभारी ने 151 धारा में बंद करने जैसा कदम उठाते हुए उसे एनकाउंटर की धमकी दी है। मामला यही शांत नहीं होता। मामले को लेकर पीड़ित ने मीडिया को बताया कि उसने एसपी से लेकर आईजी गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी लिखित शिकायत प्रेषित की है। सुनिए पीड़ित की जुबानी थाना प्रभारी की दबंगई। मुकेश जी, ये क्या है मामला? मामला है कि 12 तारीख को फोन आया था देवेंद्र के पास में कि मतलब जो पुलिस वाले इंसाब साहब बुला रहे हैं, तो 12 को नहीं गए, 13 को नहीं गए, 14 तारीख को हम, मैं और देवेंद्र और एक और था जगरूप सिंह जो आर्मी में था, उसी दिन छुट्टी काट के जा रहा था, तो तीनों चले गए अंदर। अंदर तो उन्होंने बताया, मतलब पहले लड़के ने बताया था कि बेल कैंसिलेशन का कोई फॉर्म आया है उनके पास में, पुलिस वालों के पास में बेल कैंसिलेशन का फॉर्म आया है, वो आप ले जाओ। इसलिए हम उनके पास में गए, तो जो ही हम अंदर गए तो उन्होंने तो आओ देखा ना ताव, मतलब एकदम पहले तो गाली गलौज की माँ बहन की, और उसके बाद में मतलब वो तो अपने पर आ गए, हाथापाई करने लग गए, और मतलब पहले तो इंचार्ज साहब ने की और फिर 4-5 और मिल गए और काफ़ी देर तक हाथापाई की, और मेरे साथ भी काफ़ी किया, गाली गलौच भी किया, बच्चे के साथ में भी किया, पहले तो हाथापाई की फिर सिर को पकड़ को दीवार में दी, 3-4 पर दीवार दी है भैया, उसके बाद में वहाँ बिठा लिया, बिठाने के बाद 151 लगाया और यहाँ बेल दिया, फिर बेल करा के आगे क्या कार्रवाई करनी है? अब आगे तो ऐसे आदमियों पे क्या कार्रवाई हो सभी जानते हैं, मतलब जो एक आम आदमी के पास में जो मतलब वो ही बुला रहे हैं अपने काम से, और वहाँ जब पहुँचते हैं तो ऐसा व्यवहार होता है, तो आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, तीसरे के साथ होगा। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जो आप ले? हाँ, फॉर्म है, ये बेल कैंसिलेशन का फॉर्म है, इसके लिए बुलाया था उन्होंने। और दिया भी, फॉर्म भी दिया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करके इस पर तारीख 12 डलवा दी, मत दिया 14 को और तारीख डलवाई 12। कितनी बजे की बात है ये? 11:30 बजे की बात, 14 तारीख 11:30 बजे, तहसील कोटपुतली प्रागपुरा थाने का मामला। इंचार्ज साहब का? इंचार्ज साहब का है वो सुरेश कुमार यादव। कोई पुराना विवाद चलता था क्या है? हाँ था, एक पुराना मैटर था, एक वो बिल्डिंग का जो हमने खरीदी थी, तो उसमें उसने केस डाल दिया, केस भी काफ़ी भारी डाला था, वो मैटर था, उसी का संबंध मुझे आया था। हाँ, उसी के संबंध में आया था, 365 और 395 लगाई थी उसने जो झूठी है।